खबर बूंदी के नैनवा से, जहां मालेड़ा गांव में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। इस मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्ची में रखवाया और साथ ही थानाधिकारी हरिराम जाजुंदा ने बताया कि मृतका दुर्गा अपने कमरे में सोने गई थी और सुबह घर वालों ने उठकर देखा तो वो फंदे से झूलती नजर आई, जिसके बाद उसके परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। तो वहीं दूसरी ओर मृतका के पिता उसके पति के खिलाफ प्रताड़ित करने का मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। मोबाइल से सूचना मिली थी कि मालेड़ा गांव में कोई विवाहिता है जिसने फंदे से झूलकर अपनी यह लीला समाप्त कर ली है। सूचना पर मैं मौके पर मैं जाब्ते का आया, वहां देखा तो मृतका की बॉडी को चारपाई पर लेटा रखा था, जिसके गले में रस्सी के फंदे नुमा निशान बना हुआ था। प्रथम दृष्टया मामला फांसी के फंदे पर लटकने से मृत्यु होना ही प्रतीत हो रहा है, फिर भी मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।